जनपद अयोध्या में युवती की हत्या कर एक महीने बाद नीम के पेड़ से लटकता हुआ मिला युवती का शव। पुलिस ने गांव के ही एक गैर समुदायिक युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अयोध्या जनपद के बीकापुर के एक गांव से बीते एक महीने से लापता एक युवती का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिवार ने शव की शिनाख्त कर मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। वहीं आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरा मामला बीकापुर क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत पुरवा गांव का है, जहां पुरवा गांव की रहने वाली एक युवती 27 सितंबर की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। काफ़ी समय तक तलाश करने के बाद जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो युवती के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली बीकापुर में दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक महीने से लापता युवती की तलाश चल रही थी। अचानक युवती के पिता ने 26 अक्टूबर सोमवार को युवती का शव एक सुनसान गन्ने के खेत में पेड़ से लटका होने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही SSP दीपक कुमार ने बताया कि युवती के पिता ने शेरू नाम के युवक के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर इस घटना की हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 26 तारीख को बीकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 366 507 SC ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत तफ्तीश के दौरान पुलिस को लड़की का शव बरामद हुआ। शव की बरामदगी के बाद उसकी शिनाख्त जो मुकदमा कायम हुआ था उस लड़की के रूप में उसके पेरेंट्स के द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रात्रि में इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आज सुबह उनके परिजनों के द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा जो FIR में दर्ज नामजद अभियुक्त शेरू खां को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संपूर्ण मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय मृत्यु के कारणों के बारे में हम लोगों के द्वारा ली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के कारणों का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता नहीं चल पाया। अयोध्या से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट, UP24 न्यूज़।